Hello class 11. Today we are going to start chapter number 7, that is data handling. Data handling में हमें data types, mutable and immutable types, operators, expression इन सभी के बारे में पढ़ना है. तो data types actually होते क्या है, हम हर तरीके के data को अपने program में use करते हैं, चाहे वो numeric हो, चाहे वो characters हो, चाहे वो text हो, हर तरीके के data हम उसको use करते हैं. तो यहाँ पे जो कुछ fundamental data types है, उन fundamental data types के बारे में हमको पढ़ना है. In any languages, there are some fundamental you need to know before you can write even the most elementary program. तो कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जो बेसिक यूनिट होती है, यहाँ पे आपको जैसे डेटा को हमें कैसे स्टोर करना है, डेटा की कैटेगरी क्या है, ये हमें रिकग्नाइज करते आना चाहिए, है ना. सो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस सम सच फंडामेंटल्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन पाइथन. सो डेटा टाइप्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक कैरेक्टर्स, वी कैन स्टोर अ कैरेक्टर्स, हम कैरेक्टर भी स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, उनको हम स्टोर करते हैं, विदाउट फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. तो ये बिल्ट इन कोर डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ किया जाता है. एक तो नंबर्स है, इन नंबर्स में ब्रॉडली ये सारी जो इंटीजर है, पॉइंट्स की वैल्यू है, इन सभी को नंबर्स कह रहे हैं, है ना. तो इसमें कितने आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके यहाँ पे आते हैं नंबर्स में. उसके बाद स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग में आपके सभी कैरेक्टर्स आएंगे, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी. इन तीनों टॉपिक्स को हमें आगे भी और डिटेल में पढ़ना है. तो ये एक बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स के रूप में देखा गया है. तो डेटा टाइप कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, दैट इज कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग एटसेट्रा. एनीथिंग एनक्लोज्ड इन अ कोट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग डेटा इन अ पाइथन. तो जो भी सिंगल कोट में हो या चाहे कोई डबल कोट में हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं. नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इन इंटीजर डेटा. जो विदाउट फ्रैक्शंस की वैल्यू होंगी हम उन्हें इंटीजर कहते हैं, और जो फ्रैक्शंस की वैल्यू होती है उन्हें हम फ्लोट कहते हैं. द नंबर्स विद फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट अ रियल डेटा एंड ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट अ बुलन डेटा. तो जो ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यूज होती है उन्हें हम बुलन डेटा कहते हैं, जो कि ट्रू मतलब वन एंड फॉल्स मतलब जीरो होगा. सिंस द डेटा टू बी डील विद आर ऑफ मेनी टाइप्स, our program language, programming language must provides way and facilitate to handle all type of data. तो हर तरीके का data यहाँ पे handle करने के लिए facility हमें मिलती है. So before you learn how you can process different type of data in Python, let us discuss the various data types support in Python. तो different data type होते हैं, उन्हें हमें यहाँ पे discuss करना है. तो Python offers following built-in core data type, that is number, string, list, tuple and dictionary. So let us see first numbers. तो numbers आपको बताया है कि number आपके broadly तीन categories है, integer, floating point and complex number. तो integer भी लेकिन ये दो part में divide है, integer जो कि sign और एक boolean, है ना. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं integers. Integers are whole numbers. कोई भी whole number होगा उन्हें हम integer कहेंगे, चाहे वो 4, 5, 50, 100, whatever, है ना. लेकिन यहाँ पे साइंस अगर है वो चाहे पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकते हैं. इंटीजर जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं. जैसा मैथ में हम करते हैं, अगर कोई साइन नहीं दिया है दैट मींस कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना. सो इंटीजर आर रिप्रेजेंट इन पाइथन बाय अ न्यूमेरिक वैल्यू विथ नो डेसिमल पॉइंट. इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. एग्जाम्पल +12, -15, ये सभी क्या है, इंटीजर के एग्जाम्पल है. तो साइन अगर नहीं होता है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. यहाँ पे इंटीजर को दो टाइप से बांटा गया है. एक तो है इंटीजर साइंस, इंटीजर साइन. तो साइन इंटीजर मतलब यहाँ पे कोई लेंथ इसके यहाँ पे फिक्स नहीं होती है. इट इज़ अ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंट्स ऑफ द होल नंबर्स. इंटीजर इन पाइथन 3.x मतलब 3 के आगे के जो भी वर्जन है इसमें कोई लिमिट नहीं होती है पाइथन की. आप कितने भी नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो इसमें, लेंथ उसकी लिमिट नहीं होती है. लेंथ की कैन बी ऑफ एनी लेंथ एंड इट इज़ ओनली लिमिटेड बाय द मेमोरी ओनली. तो ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे कि कितनी आप लेंथ ले सकते हो. अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन 3.x प्रोवाइड्स अ सिंगल डेटा टाइप इंटीजर टू स्टोर एनी इंटीजर वेदर बिग और स्मॉल. तो बिग या स्मॉल एनी काइंड ऑफ इंटीजर वैल्यूज यू कैन स्टोर इन अ इंटीजर. आफ्टर दैट बुलन. अब बुलन के यहाँ पे दो ही वैल्यू होती है, ट्रू
एंड फॉल्स. अब ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो. दिस रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यूज दैट इज फॉल्स एंड ट्रू. एंड द बूलियन टाइप्स इज अ सब टाइप ऑफ अ प्लेन इंटीजर एंड द बूलियन वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू बिहेव लाइक वैल्यूज जीरो एंड वन रिस्पेक्टिवली. अभी कोई बूलियन वैल्यू को हमें जानना है, जैसे कि बूल, हम यहाँ पे एक बूल फंक्शन यूज किया जाता है जिससे कि हमें पता लगता है बूल ऑफ जीरो. बूल ऑफ जीरो मतलब इट विल रिटर्न द फॉल्स एंड बूल ऑफ वन इट विल रिटर्न द ट्रू. सो टू गेट द बूलियन इक्विवेलेंट ऑफ जीरो और वन, यू कैन टाइप बूल ऑफ जीरो और बूल ऑफ वन. द पाइथन विल रिटर्न फॉल्स और ट्रू रिस्पेक्टिवली. See here are example of boolean code, bool of 0, so it will return false and bool of 1 it will return true. Here is, यहाँ पे क्या किया है, str मतलब string में convert कर रहे हैं. यहाँ पे false दिया है, इस false को string में convert किया है. तो आप देखिए output आपको कैसा आ रहा है, string मतलब single quote के अंदर आपको false दिखाया है. Same यहाँ पे भी true को string में convert कर रहे हैं, तो देखिए true आपका single quote में आया, मतलब ये क्या return हुआ है, string return हुआ है ना. तो स्ट्रिंग फंक्शन, str फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू इन अ स्ट्रिंग एंड अ बूल फंक्शन विल रिटर्न द बूलियन वैल्यूज. हाउएवर व्हेन यू कन्वर्ट द बूलियन वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू टू स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग अब आप देख रहे हैं अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है तो इट विल शो इन अ सिंगल कोट फॉल्स और ट्रू आर रिटर्न रिस्पेक्टिवली. द str फंक्शन कन्वर्ट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रिंग. सी द फिगर, आपने अभी देखा. उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कौन सी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शंस वाली, जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पर आएंगी. तो इन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में और दूसरा एक एक्सपोनेंट नोटेशन में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना. अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3.14 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. द डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट इज इन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नॉट एन इंटीजर. तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं होती. द नंबर 12 इज एन इंटीजर बट द 12.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट. ऑब्वियसली अगर पॉइंट है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हुई. उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स. ये एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं विच आर यूज फॉर मेजरेबल किसी भी तरीके के क्वांटिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे एरिया हो, टेम्परेचर हो. तो जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है उसके लिए ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज करते हैं. द टिपिकल हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट. द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव टू एडवांटेजेस ओवर अ इंटीजर. अब दो एडवांटेजेस क्या है कि दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यू बिटवीन द रेंजेस एंड दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज. और देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, कि जो कि पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है वो उनका जो वर्किंग है उनका ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर दैन द इंटीजर ऑपरेशन. तो इंटीजर से ये थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन इसमें 15% पॉइंट तक की वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो. इन अ पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट अ मशीन लेवल डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट इज 15-digit प्रिसीजन, है ना. द रेंज ऑफ दिस नंबर इज लिमिटेड बाय द अंडरलाइंग मशीन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी. मतलब डिपेंड करता है मेमोरी पे कि आप किस तरीके से, मतलब कितने आप नंबर स्टोर कर सकते हैं इसमें. तो यहाँ पे तो 15 digits यहाँ पे दिया हुआ है, डिजिट्स डबल प्रिसीजन. नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनते होते हैं. एक तो आपका रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ए प्लस बी आई. तो ए प्लस बी आई, ए और बी आपका क्या है यहाँ पे रियल पार्ट है और आई जो है इमेजिनरी नंबर है जिसका वैल्यू आपका √-1 होता है ना. अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ मेडअप ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स. इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आई दैट इज ए एंड बी आर द रियल नंबर्स एंड आई इज अ इमेजिनरी नंबर. इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वेर द, अब यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जहाँ पे जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी आई दिया हुआ है. तो यहाँ पे ए जो है ये आपका रियल पार्ट है और जो बी है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा जेड का, है ना. एंड देन द ए वुड बी द रियल कंपोनेंट एंड द बी वुड बी रिप्रेजेंट द इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ जेड. एग्जाम्पल द रियल कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल की रियल कंपोनेंट है कोई, यहाँ पे रियल कंपोनेंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो फोर जो है यहाँ पे, फोर आपका एक रियल नंबर है और जो थ्री है वो आपका इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, है ना. सो फोर एंड द इमेजिनरी कंपोनेंट वुड बी द थ्री. पाइथन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी जे. अब यहाँ पे आई के बजाय हम क्या यूज करते हैं, जे यूज करते हैं, जे जिसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ना, दैट इज रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर. पाइथन यूजेज जे और कैपिटल जे इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल आई. आई के जगह पे पाइथन में जे यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए.
So in Python, j is equals to underscore root minus 1. Consider the following example. यहाँ पे एक example दिया गया, a equal to 0 plus 3.1 j and the b is equals to a 1.5 plus 2 j. The above complex number a has a real component as 0. यहाँ पे a का जो real component है वो 0 है and the imaginary component as 3.1. In the complex number b, the real is 1.5 and the imaginary part is 2. So when you display your complex numbers, Python display your complex numbers in parenthesis when they have non-zero real part. अगर कोई non-zero real part है तो वो parenthesis में Python आपको show करता है. जैसे कि यहाँ पे c equal to 0 plus 4.5 j है और d is equals to 1.1 plus 3.4 j है. तो C को अगर प्रिंट करेंगे तो इसने क्या दिखाया, जीरो नहीं दिखाया, आपको सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो ही दिखा 4.5 j. और D को अगर प्रिंट करने जा रहे हैं तो ये पूरा एक होल नंबर है. अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसने पूरे को पैरेंथेसिस में कवर करके आपके सामने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया है. प्रिंट C करेंगे तो इट विल ऑलवेज प्रिंट द 4.5 j एंड प्रिंट D, सो इट विल कवर इन अ पैरेंथेसिस. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. उसके बाद में अनलाइक पाइथॉन्स अदर न्यूमेरिक टाइप्स, कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंपोजिट क्वांटिटी एंड मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. तो यहाँ पे दो पार्ट आपको भी पता है, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है. बोथ ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज अ फ्लोट वैल्यूज. तो इंटरनली जो होते हैं दोनों भी पार्ट के, चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे वो इमेजिनरी पार्ट हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होते हैं. यू कैन रिट्रीव द टू कंपोनेंट्स यूजिंग एट्रीब्यूट रेफरेंस फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. अब आप यहाँ पे इस एट्रीब्यूट का यूज करके आप वैल्यू रिटर्न निकाल सकते हो. जैसे जेड डॉट रियल गिव्स द रियल पार्ट, तो रियल से आपको रियल पार्ट मिलेगा और आई एम इमेज है ना, आई एम ए जी से आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा. गिव्स द इमेजिनरी पार्ट एज द फ्लोट नॉट एज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, है ना, एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा. यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, जेड इज इक्वल्स टू, ये एक नंबर है, इनका एडिशन होने वाला है. तो ए इक्वल टू लिखा है, ए में क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पे ए नहीं यहाँ पे जेड होना चाहिए, मिसप्रिंट है. आप देखिए यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2.56 जे प्लस माइनस 4 माइनस 3.56 जे. तो यहाँ पे आपको देखो ये इट शुड बी द जेड. और तो यहाँ पे आपको देखो जो भी है सब्ट्रैक्ट करके आपके सामने दिखाया उसने माइनस 3 और माइनस 1 जे, है ना. तो जे का जो रियल पार्ट, जेड का जो रियल पार्ट है, जेड डॉट रियल, तो जेड डॉट रियल का इसने आपके सामने दिखाया, सो माइनस 3.0 एग्जैक्टली. और उसी के बाद में जेड डॉट इमेजिनरी पार्ट जो दिखाया आपने 1.0 इसमें दिखाया, तो इसी के अकॉर्डिंग उसने 1.0 पार्ट आपको दिखाया है. द रेंज ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट थ्रू द पाइथन्स, ये आपके सामने कुछ रेंज दिए गए हैं कि क्या क्या रेंज होनी चाहिए. जैसे इंटीजर है तो अनलिमिटेड रेंज है इसकी, इट इज़ डिपेंड ऑन योर मेमोरी, है ना. उसके बाद बूलन की जो है द टू वैल्यूज 0 एंड 1. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी है, ये भी अनलिमिटेड रेंज है, डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेम एज फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, बट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर रिप्रेजेंट इन अ फ्लोट. तो फ्लोट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी, दोनों भी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट.